मानव श्रृंखला बनाकर बच्चों ने दिया मतदान का संदेश। सोमवार को फिरोजाबाद नगर के डीएवी इंटर कॉलेज में ईएलसी के सहायक नोडल अधिकारी हिमांशु शर्मा और कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर उपेंद्र नाथ शर्मा के नेतृत्व में मानव श्रृंखला बनाकर मतदान करने का संदेश दिया गया। ईएलसी के सहायक नोडल अधिकारी हिमांशु शर्मा ने बताया कि लोकतंत्र के सशक्तिकरण और मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विशाल मानव श्रृंखला बनाई है। इस मानव श्रृंखला में कॉलेज के छात्र छात्राओं और शिक्षक कर्मचारी शामिल हुए हैं। मानव श्रृंखला को मतदान की शपथ दिलाते हुए ईएलसी के सहायक नोडल अधिकारी हिमांशु शर्मा ने कहा कि लोकतंत्र की पवित्रता मतदान में निहित है, हम सभी को अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। फिरोजाबाद के डीएवी इंटर कॉलेज में कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर उपेंद्र शर्मा और मैं ईएलसी सहायक नोडल अधिकारी हिमांशु शर्मा के नेतृत्व में आज मानव श्रृंखला बनाई गई छात्र छात्राओं द्वारा, जिसमें छात्र छात्राओं ने मानव श्रृंखला बनाकर संदेश मतदान करने के लिए दिया है और विद्यार्थियों से कहा गया कि सभी मतदान के लिए अपने घर पर जाकर अभिभावकों माता पिताओं को जागरूक करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट डालें तथा छात्र छात्राओं को ये भी कहा गया कि जो बच्चे 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें, जिससे क्या है वोट परसेंटेज बढ़ सके। और छात्राओं से महिलाओं को जागरूक करने के लिए कहा गया है कि अपने नगर मोहल्लों में घर घर जाकर थोड़ा सा विद्यार्थियों को जागरूक करें। यह कार्यक्रम कराए जा रहे हैं जिसमें विद्यालयों में निबंध प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता आदि प्रतियोगिता का आयोजन कराया जा रहा है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को मतदान करने के लिए जागरूक करने के लिए यह कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इस तरह से ये कार्यक्रम हो रहे हैं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, प्ले स्टोर पर जाकर क्या ये न्यूज ऐप डाउनलोड करना मत। आखिर कितना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक दिन का खर्च? सिंधिया परिवार की संपत्ति के बारे में जानकर अंबानी और अडानी के भी होश फाख्ता हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि आरबीआई पुराने और कटे फटे नोटों का क्या करता है? और अगर अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री की मौत हो जाए तो उसकी डेड बॉडी के साथ क्या किया जाता है? ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मजेदार फैक्ट्स और न्यूज पढ़ने के लिए KIA न्यूज ऐप डाउनलोड कीजिए।